आप ये जान लीजिए रिज्यूम कैसे बनाना है इन्फॉर्मेशन कैसे, कैसे लिखनी है फॉर्मेट कौन सा यूज करना है पेज page, कितने का resume होना चाहिए एजुकेशन स्किल एक्सपीरियंस हमें सब कहा मैंने रिज्यूमें कैसे अपडेट करने हैं आज हम एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं आई विल गाइड यू इन दिस वीडियो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें उसके साथ ही अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं किसी भी डोमेन में किसी भी सिटी स्टेट टाउन से या आपकी कोई भी एज है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपडेट कर दूंगी आप वहां पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं उसके साथ ही हाउ टू अप्लाई का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगी तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो अब हम बात करते हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाली है मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाना है नीट इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल कंपनीज में जो भी एचआर रिक्रूटर होते हैं वो हमारे सीवी को जस्ट एक रिव्यू करते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के बेसिस पर सो वी विल ट्राई टू मेक रिज्यूमे प्रेजेंटेबल जैसे ही हम रिज्यू में स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना उसमें कोई भी टेबल और कोई भी फोटो ना हो मैंने आपको पहले भी बताया था मैक्सिमम कंपनी जो है फर्स्ट लेवल की स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हैं तो इस स्क्रीनिंग में ऐसे रिज्यूमे पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा रिज्यूमे रिजेक्ट ना हो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है सेकेंड थिंग

होरिजेंटल और कॉलम फॉर्मेट्स में बना सकते हैं हम तो इसमें अगर आप कोई भी फॉर्मेट पिक करते हैं दैट इज ऑल्सो आपको अच्छा लगता है अगर आप फ्रेशर है रिज्यूम में एक ही पेज का बनाए दूसरी बात अगर आप रिज्यूम में बना लेते हैं तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाउनलोड करें किसी और फॉर्मेट में डाउनलोड ना करें नेक्स्ट पॉइंट यूर फॉर्मेटिंग शुड बी वेरी सिंपल मीन्स यूज ब्लैक कलर एंड सिंपल फॉर्मेट लाइक एरियल टाइम्स रोमन कैलिबरी ये रिज्यूमे में अगर आप और कोई कलर भी यूज करना चाहते हैं तो आप ब्लू और ब्लैक कलर ही यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हैं। क्योंकि ये दोनों प्रोफेशनल फॉर्मेट जो है है फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही कलरफुल रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है, वो कंपनीज तक आगे पहुंचाता ही नहीं है तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनमें आपके सीवी को फर्स्ट स्क्रीनिंग वोमेंस नहीं देख रहे होते हैं सॉफ्टवेयर देख रहे होते हैं तो अगर आप रिज्यूमे उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट नहीं करते मीनस फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ वे में लिखना है रिज्यूमे के हेडर पे बात करते हैं हम रिज्यूमे का हेडर हमारा टॉप ऑफ द रिज्यूमे होता है सबसे ऊपर हमारा नेम मेंशन होता है फिर कॉन्टेक्ट नंबर और फिर ईमेल आईडी तो जो हमारी ई मेल होती है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए जो हम रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हैं तो ई मेल के नीचे हम अपनी लिंक की आईडी भी मैंशन कर सकते हैं और इसके साथ ही अगर आप टेक रिज्यूमे बना रहे हैं तो अपनी गीट की प्रोफाइल भी आप अपडेट कर सकते हैं और साथ में इस चीज का ध्यान रखें ये दोनों प्रोफाइल आपके अपडेटेड होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट रिज्यूमे आपके रिक्रूटर के पास जाते हैं रिक्रूटर उनको देखकर आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेते हैं तो इसके साथ ही अब बात करते हैं रिज्यूमे के नेक्स्ट सेक्शन की रिज्यूमे में फाइव मेन सेक्शंस होते हैं स्किल्स पहला होता है स्किल्स का हम जनरली इस सेक्शन को फर्स्ट पे रखते हैं दूसरा एजुकेशन थर्ड प्रोजेक्ट फोर्थ एक्सपीरियंस फिफ्थ अचीवमेंट हम चाहे तो हॉबीज का सेक्शन भी रख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हम इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं आई विल सजेस्ट देम कि स्किल सेक्शन को ही वो टॉप पे रखें इफ यू हैव फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस दैट आल्सो यू कैन ऐड आफ्टर स्किल्स अब हमारा मोटिव है कि हमारे रिज्यूमे सेलेक्ट हो अब हम हर सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्किल्स की बात करते हैं अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने सब्जेक्ट की स्किल्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं जस्ट पास आउट हैं तो कोई भी लैंग्वेज और कोई भी आपने अगर किसी भी आपने प्लेटफॉर्म पे काम किया है तो वो फ्रेमवर्क भी आप ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन आप ये ऐड कर सकते हैं अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना रिसर्च या इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके का तो आप एक्सपीरियंस का सेक्शन हटा भी सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप करंट एक्सपीरियंस को पहले रखें और उसके नीचे बुलेट पॉइंट में उस एक्सपीरियंस की सारी डिटेल मेंशन करें एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आपको अपनी डेजिकेशन उस प्रो, की स्टार्ट और एंड डेट भी मेंशन करनी है अपने रिज्यूम में नेक्स्ट सेक्शन आता है एजुकेशन का आपने इसमें अपनी लेटेस्ट एजुकेशन को सबसे ऊपर रखना है फॉर एग्जाम्पल आपने पहले बीटेक रखना है देन देन एंड इनफैक्ट सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अपने एक्सपीरियंस को भी यूज करना है अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कॉलेज टीयर वन और टीयर टू में आता कैटेगरी में नहीं आता है तो मैं अपने कॉलेज का नाम ऐड करूं या ना करूं यस yes. आपको अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना है स्टूडेंट बहुत सारे ये भी पूछते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है तो क्या हम मार्क्स भी ऐड करें तो नहीं मार्क्स एड करने की जरूरत नहीं है ज्वाइनिंग के टाइम पे फॉर्म होता है अगर हमारे पास अचीवमेंट नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप अपने स्कूल टाइम की भी अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं आगे बात करते हैं हॉबीज की तो हॉबीज में हमने जनरल हॉबीज को ही एड करना है बिकॉज इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि इस हॉबीज के बारे में आप बताइए तो वहां पे स्टक हो जाते हैं कई बार कैंडिडेट तो हॉबीज बिल्कुल सिंपल रखें जिसके बारे में आपको पता हो इसके साथ ही अगर आपको फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है तो आप अपना ओपन सोर्स वर्क वहां पे एक टैब बना के फ्रीलांसिंग की डिटेल भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास काफी सर्टिफिकेशन हैं और वो आपकी फील्ड के लिए अगर मैंडेटरी हैं तो आप एक सर्टिफिकेशन का सेक्शन अलग से बनाएं और वहां पे आपके सारे सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं आई होप आपको मेरी रिज्यूमे से शेयर की हुई वीडियो अच्छी लगे इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिज्यूमे मेकिंग में या कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करें आई विल रिप्लाई ऑन दैट कीप वॉचिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो थैंक यू सो मच